subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार तोमर और कुमकुम भाग्य की अपडेट को लेकर हाजिर हूँ। जहाँ पर अभी और प्रज्ञा एक होंगे तो 20 सालों पुराना राज सामने आ जाएगा। उसके बाद रीना क्या कदम उठाती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ दोस्तों, जब अभी और प्रज्ञा एक होंगे तो रिया के सामने ये सच आ जाएगा। तो फिर रिया क्या कदम उठाएगी, क्योंकि रिया तो हर समय प्राची के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है, क्योंकि रिया प्राची को अभी की नज़रों में ही नहीं बल्कि पूरी मेहरा हाउस की नज़रों में गिराना चाहती है। दरअसल होगा ये कि अभी प्रियंका को लेकर प्रज्ञा के घर जाएगा, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाएंगे। उससे पहले वो प्रज्ञा को कहता है कि तुम सही थी ऋषि, अच्छा लड़का है। प्रियंका इतना बड़ा झूठ बोलेगी, मैंने खुद नहीं सोचा था। तो प्रज्ञा कहेगी कि कोई नहीं। हालांकि सरिता बहन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है, जिसके बाद अभी प्रज्ञा दोनों एक दूसरे में इतने मशगूल होंगे कि दोनों को याद भी नहीं रहेगा कि खुद सरिता बहन शर्मा के पीछे हट जाएगी। क्योंकि सरिता बहन को पता है कि जितने नज़दीक ये दोनों होंगे उतने ही जल्दी प्राची को उसके पिता का सच पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राची के कहने पर रणबीर प्रिंसिपल के रूम से पेपर चोरी करता है, जिसमें आर्यन उसका साथ निभाता हुआ नजर आता है। हालांकि पता चल जाएगा कि कोई घर के अंदर घुसा हुआ है, तो प्रिंसिपल सोचता है कि कोई चोर तो नहीं घुस गया है। अब देखना होगा कि क्या रणबीर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा या फिर बच जाएगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, कुमकुम भाग्य की तमाम छोटी से बड़ी अपडेट को लेकर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।